राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा इकाई चित्तौड़गढ़ के अधिकारियों ने मांगी इच्छा मृत्यु। विकास अधिकारी कैलाश चंद्र बसेर के अनुसार पूरे प्रदेश में राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा में 195 अधिकारी विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं और करीब 10 सालों से अधिक सेवाएं देने के बावजूद उनके साथ लगे अन्य साथी 2 या 3 बार पदोन्नति ले चुके हैं, मगर इनके कैंडर के अधिकारी पदोन्नति से वंचित हैं। सारे अधिकारियों ने एक मत होकर एक अभियान के तहत अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए सत्याग्रह के विभिन्न चरणों के तहत जिले में कलेक्टर और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में पदोन्नति या इच्छा मृत्यु की मांग की है। अगली कड़ी में सरकारी कार्यों का बहिष्कार करेंगे, वे काली पट्टी बांधकर विरोध भी प्रकट करेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले में करीब 7 अधिकारी सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें कैलाश चंद्र बसेर, निम्बा हेड़ा, कैलाश बारोलिया चित्तौड़गढ़, प्रदीप इनाड़िया, रश्मि कुमुद सोलंकी कपासन ने चित्तौड़गढ़ अतिरिक्त कलेक्टर रतन कुमार को अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा में पूरे प्रदेश में 195 अधिकारी वीडियो के रूप में विभिन्न पंचायत समितियों में पदस्थापित है, लेकिन हम इस बात से व्यथित और कुंठित है कि हमें अब तक प्रमोशन नहीं मिला है। तो सारे अधिकारी एक मत होकर के सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी को शीघ्रातिशीघ्र प्रमोशन दें, अन्यथा हमें समस्त अधिकारियों को इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करें।